फ्रेंड्स, आर्डिनो और टिंकर कैट प्रोजेक्ट्स की सीरीज में आज हम देखते हैं अपना प्रोजेक्ट नंबर 2 यानी पैटर्न एलईडीज। इसके लिए हमें कुछ एलईडीज और कुछ रेजिस्टेंस और साथ ही ब्रेडबोर्ड और आर्डिनो की जरूरत होगी। तो चलिए हम सर्किट बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा सर्किट तैयार। अब हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इन एलईडीज को आर्डिनो के पिन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 से कनेक्ट किया हुआ है। हम प्रोग्रामिंग करते समय इस पिन का हमें नंबर याद रखना है। तो चलिए अब हम इसका पहला पैटर्न बनाते हैं। इसके लिए हमें कोड पर जाना है और अभी मैं पहले इसे हटा देता हूं। हम इसका ये वाला ब्लॉक लेंगे, सेट पिन नंबर 2 हाई और लो, ये वाला हम यूज करेंगे।
तो हमें पता है कि पिन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमें प्रोग्रामिंग करनी है। तो हम इसमें पहला पैटर्न बनाने के लिए हम पहले इसके पिन नंबर 2 को हाई करते हैं। इसके बाद हम कंट्रोल पर जाकर वेट वाला ब्लॉक लेते हैं। इसमें हमें एक सेकंड हम इसे थोड़ा कम कर देते हैं, हम इसे आधा सेकंड कर देते हैं। इसके बाद इसकी हम कॉपी बनाते हैं और पिन नंबर 3। फिर हम इसकी ही कॉपी बनाते हैं और यहाँ पर हम फिर सेट करते हैं 2, 3, 4, 5। एक बार फिर से इसका डुप्लीकेट हम बनाएंगे और हम इसमें पिन नंबर सेट करते हैं 2, 3, 4, 5 हमने कर दिया है। 6, 7, 8 and 9 हमने इन्हीं पिन्स पर एलईडी कनेक्ट किया था। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसे रन करते हैं तो एक पैटर्न बनना चाहिए। हम इसे रन करते हैं, देखिए इस तरह से ये एक पैटर्न के साथ ऑन हुआ है। स्टॉप कर देते हैं, हमारा ये पहला पैटर्न बन चुका है। दूसरे पैटर्न में हम ये जो एलईडी इस तरह से जल रही है, हम इन्हीं एलईडी को वापस हम ऑफ भी कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें इसी का एक डुप्लीकेट बनाते हैं और इसमें पिन नंबर 9 तक हाई था, अब हम इसके बाद इसको लो करेंगे सभी को। सभी को हम लो कर देते हैं। अब हम एक बार फिर से रन करते हैं, देखते हैं क्या पैटर्न बनता है। इस तरह से ये दूसरा पैटर्न बना। अब हम इस पैटर्न की स्पीड बढ़ाते हैं। इसके लिए हमें 0.5 का जो डिले दिया है इसे हम 0.3 करते हैं और हम इसी को सभी में कॉपी कर देते हैं। ये इस तरह से हमने हर एक में 0.3 का डिले दिया। अब हम एक बार फिर से इसे देखते हैं। तो इस तरह से ये कंटिन्यूअस ऑन और ऑफ होता है और ये साइकिल कम चलती रहेगी। ये एक पैटर्न बना है। इसमें एलईडी की ब्राइटनेस कुछ कम आ रही है, इसके लिए हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम कम करते हैं क्योंकि ये 1 kΩ का रेजिस्टेंस 1000 ओम का रेजिस्टेंस है। हम इसे 330 ओम कर देते हैं।
हमने सारे रजिस्ट्रेशन को 331 कर दिया। अब हम देखते हैं क्या इसकी ब्राइटनेस बढ़ी। हाँ, इसकी ब्राइटनेस बढ़ चुकी है और ये एक पैटर्न बन चुका है। यानी हम अलग अलग ब्लॉक्स प्रोग्रामिंग करके हम अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं। चलिए हम इसका एक पैटर्न और देखते हैं। इस पैटर्न में हमारा ये एलईडी यहाँ से स्टार्ट होगा और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जाएगा, वापस ये आएगा, लेकिन एक बार में एक ही एलईडी जलेगा। ये हम कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं उसको। इसके लिए वापस हम पोर्ट पर जाते हैं और अगर हम पिन नंबर 2 से शुरू करते हैं नीचे से ऊपर तक जाने के लिए, तब हम पहले पिन नंबर 2 को हाई करेंगे और उसको हम इसका टाइम थोड़ा सा कम कर देते हैं। इसके बाद हम इसे ऑफ कर देंगे, डुप्लीकेट करता हूँ उसे में और इसको हम इसे ऑफ कर देते हैं। हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसके बाद इसका डुप्लीकेट बनाकर पिन नंबर 3 पे वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। इसका भी हम डुप्लीकेट बनाते हैं। इसमें हमने पिन नंबर 2 और 3 दे दिया है। अब हम पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 सेट करेंगे। पिन नंबर 5 हम इसका एक डुप्लीकेट और बनाते हैं। पिन नंबर 5, ये पिन नंबर 6 है। हम चाहे तो इन्हीं पिन का यूज करके हम कर सकते हैं। हम इसे स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। आप देखिए इस तरह से, ये हमने क्योंकि दोस्त ऐसे लेके छह नंबर को हमने किया था, इसलिए ये 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम इसमें टाइम डिले कम कर देते हैं तो और भी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, वो भी हम करके देख लेते हैं। ये हमने इसे अब 100 मिली सेकेंड कर दिया है। और साथ ही हम ऊपर की जो दो एलईडी हैं उसको भी हम इसमें कर देते हैं 5, 6। ये हमारा डुप्लीकेट बन गया है। आप एक बार फिर से चेक कर लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 high, 7 low, 8 high, 8 low, 9 high and 9 low। अब हमारा ये पैटर्न बन चुका है। हम इसको रन करते हैं और ये देखिए इस तरह से ये LEDs ऑन ऑफ होते हुए दिख रहे हैं।
इसका जो भी कोड बना है इसके लिए हम ब्लॉक्स प्लस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा कोड तैयार है। अब हम इस कोड को प्रैक्टिकली इसी कोड को हम कॉपी करके आर्डिनो में अपलोड करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो हमने इसका सिमिलर सर्किट यहाँ पर प्रैक्टिकली तैयार कर लिया है और हाँ, ये जो आर्डिनो का कोड जो टिंकरकैड में जनरेट हुआ था इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब हम इसको अपलोड करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। और इस तरह से बिल्कुल वही पैटर्न हमको यहाँ पर प्रैक्टिकली दिख रहा है, यानी हम इसमें और भी एक्सपेरिमेंट करके अच्छे अच्छे पैटर्न बना सकते हैं। थैंक यू।